तो यहाँ पर जेब कतरने वाले आ चुके हैं, ये कट चुकी है जेब, सलवार में लग जाएगी और इसको लगवानी है सलवार में, मतलब सिलाई का सूट आ रहा है ना जिसका, वो लगवाओगी इसको सलवार में जेब। ये देखो ये कट चुकी है जेब फाइनली, कितना प्यारा सूट लग रहा है ये। अभी ये क्या है रेब गले में लगाने के लिए, कल को ना सवेरे जल्दी काम निपटा के मुझे नथने के लिए देखूंगी मैं भी। बेमौसम की बारिश आ चुकी है हमारे घर और धूप भी निकल रही है और इधर बारिश भी हो रही है। नावे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, रव्या पाली लोग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहिए हमारे लोग में। कल आ रहा था तूफान बहुत ज्यादा और पूरे घर में गर्दे गर्दा हो गया था, तो सुबह सुबह सफाई शुरू होगी। सबसे पहले दिन ने रोया, उसके बाद सफाई शुरू हो रही है और अभी उठी मैं, आज दिखाती हूँ सुबह सुबह का नजारा। तो देखे जी अभी बजे हैं 7:30 और गली सुनसान पड़ी क्योंकि अभी सब लेट सो कर उठा है ना। हाँ बेटा, और रवि अभी सो कर उठी। रविया गुड मॉर्निंग बोल लो बेटा, अब बोल गुड मॉर्निंग बोल लो बेटा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिया रविया ने। उधर वो भी नहाने के लिए बेचैन है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखो जी सुबह सुबह यहाँ नाश्ता करने लग रहे थे बच्चे, क्योंकि बच्चों की मामी ने बना दिया था नाश्ता और मैं तो लेट ही सोकर उठती हूँ। वो मैंने देखा नीचे आकर यहाँ पर नाश्ता पानी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो हम भी नहा कर आ जाते हैं। तो अब जाएंगे हम नहाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखे जी हम नहा धोकर आ गए थे नीचे और मेकअप तो मैंने नहीं किया, एक तो अच्छा सा लगता और संडे, आज संडे है तो बड़ा भाई घर पर ही रहेगा, ऑफिस नहीं जाएगा क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है, तो उसके आगे तो और भी शर्म लग गया। तो मैं तो सिंदूर लगी रहा थोड़ा सा और बहुत आई रही, और मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। किचन में देखा यहाँ पर ये तो खीस रखा हुआ है देखो, और इधर दूध गर्म हो गया, पराठे बच्चों के लिए बनाए थे जो यहाँ पर रखे हुए हैं और बाहर फेरे वाले आने शुरू हो गए, क्योंकि सबको अपनी रोजी पर सुबह सुबह खड़ा होना होता है, तो सबकी आवाज आ रही है क्योंकि हमारे ना घर छोटा है, लेकिन ये है घर भले ही छोटा हो लेकिन शांति होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ पर है। तो जी खीस मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खीस, तो मैं अब खीस पीऊंगी। अभी गर्म है ये बहुत ज़्यादा, तो मैं टिफिन में रख के, मैंने यहाँ पर टिफिन में ठंडा होने के लिए खीस रख दिया है, और ये यहाँ पर बर्तन रखे चाय नाश्ते के हैं जो कुछ तो मंज गए, बस इसमें डब्बे वब्बे हैं दूध के, तो
थोड़ी बहुत देर में कर लेंगे। और उधर सिलाई मशीन रेडी हो गई है एकदम। हैं क्या लाया आप ये दवाई? हाँ आपके भी फाड़ दो, इसका इतना घमोरिया निकलना ना कपड़े पहनते हैं, इसका बहुत छोटे लगे हैं और बड़े कान हो जाए, इसीलिए कच्चे कच्चे में रह गए। लची लगा तो देखोगे आज अगर कोई झबले वाला आ गया तो इसके झबले से लेंगी, सूती से हुए बच्चों के। और यहाँ पर चल रही है पढ़ाई बढ़ोतरी बच्चे की, इसको दिया है मैंने टेबल क्योंकि वो पूरा दिन खेलता रहे, पढ़ाई का तो नाम ही नहीं है। ये देखो आजमोला खा के कैसा कर रही है, एक दे दे मुझे भी। ये वाली आजमोला खा रही है रविया। कुर्ती वाला आ रहा क्या बाहर? तो जी यहाँ पर फेरी वाला आ रहा प्लाजो है ना। हम यह पूरी वीडियो बनवाया है। नहीं रही ये बढ़नी है, वीडियो मिल गई। कितनी दूर से अपने मम्मी की क्या रोगी बप्पी ना मिलना सा ये सलाहकार दे तो रहे, सलाह बता कौन सा लेना। यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं सुबह सुबह खीस पीने, और इधर अभिराज भी रेडी है, और ये देखो पढ़ाई करने का तरीका, रुमाल ये रखा आपके नीचे, और गुलपी वाला भी आ गया सुबह सुबह। हाँ गुलपी वाला आ गया, बड़े कान बजे है भाई। हाँ भाई क्या करा, टेबल कितने लिखे तेने? ये देखो इसके टेबल लिखने, 24 का टेबल लिखा जा रहा है। और ये क्या है इधर पीटे की बराबर में, चल तो कर। और यहाँ पर टेलर मास्टर बैठ चुके हैं सिलाई करने के लिए पैंट पर आ जा। किसका आया काला ट्राउजर? फिर तो इसी लुहारी का है। हाँ? अगर आग भी यहाँ बैठे रह रहा है बस मशीन के धोरे ही, तो तुम्हारा कपड़ा तैयार होगा अगर कदम लेकर जाऊंगे। इन्होंने हाई पाई टेलर ढूंढ रखा, कपड़ा देता है तुरंत तैयार कर दिया इनके कपड़े। ये इतना यही बैठ कर वेट करो जा देरी पे। इन्हें तो घर भी नहीं चढ़ा, देख लो अपने घर के सामने ही है एकदम। तो जी यहाँ पर कान्हा जी भी नहा धोकर रेडी होकर बैठ गए हैं, और नाश्ता भी कर लिया इन्होंने। पार्क में जाना खाना को।
अच्छा जी। हाँ तो कान्हा जी को जाना है पार्क में घूमने के लिए। कान्हा के कपड़े, कान्हा के कपड़े ही। हाँ भाई, हाँ देख कान्हा की माला भी है भाई। अभी गर्मी हो रही, कान्हा को गर्मी लगे माला में, है ना? मम्मी ने प्यास लग रही पानी के लिए। पानी की प्यास लग रही बताया इन्होंने, तो चलिए इनके गिलास में पानी लेके आ। मम्मी ने नहाना, अभी नहाना। ठीक है आ जाओ। तो इन्हें नहा दिए, तेल नहीं लगाते ये। हाँ पूछ कर देख कान्हा जी, तेल लगाओ। तेल लगाऊंगा, तेल लगाऊंगे। चल कह अपनी मामी को। ठीक है।